सो निर्भय सृष्टि कर्ता वाल्मीकि दयावान की आदि धर्म का प्रकाश हो, आदि धर्म का प्रकाश हो, जो बोले सो निर्भय सृष्टि कर्ता वाल्मीकि दयावान धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। जैसा हर साल हम लोग ऐसी एक मीटिंग लुधियाना शहर में पहले मेंबरों की और फिर उसके बाद परिवारों की एक मीटिंग हम हमेशा करते रहे हैं और आज भी ऐसी मीटिंग लुधियाना में सारी टीम लुधियाना की बैठी है। और जैसा हम लोगों ने आदर्श की हाई कमांड सारी विचार विमर्श किया गया था कि इस साल योगिमा पर्व करने की हालत में जो हालात है पूरे विश्व के वो हमें आज्ञा नहीं देते और हमें अगर योगिमा पर्व को लें तो 20 साल हो गए हैं, वाल्मीकि तीर्थ की मूवमेंट को लें तो 35 साल पूरे हो रहे हैं और इसको अगर देखें तो हमने इन 35 सालों में तिनका तिनका जोड़ा है, एक एक परिवार जोड़ा है। और आज आदर्श के पास वो परिवार हैं जिनको देश की क्रीम कहा जा सकता है। क्रीम इस तरह से कह रहा हूं, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बड़ी डिग्रियों वाले और भी हो सकते हैं जो आदर्श के साथ नहीं है, मगर उनकी डिग्रियां बड़ी होंगी, उनकी आस्था नहीं है। ये हम अपने 35-40 साल के अनुभव से, और आप सब लोग भी फील्ड में रहते हैं, आप भी सब देखते हैं कि बड़े घरों वाले लोग हो सकते हैं, ऐसे घरों वाले लोग भी हैं जिनके घरों में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, ऐसी डिग्रियों वाले लोग भी हैं जिनके साथ पीसीएस आईएएस लगा हुआ है, ऐसे लोग भी हैं जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपया है, मगर आस्था नहीं है जो आदर्श ने पैदा की, जो आप सब लोगों की मेहनत से जो हुआ है वो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आदर्श के पास दोनों चीजें हैं, शिक्षा भी और दीक्षा भी, ये क्रीम है। और वैसे पूरी दुनिया ये कह रही है, पूरी दुनिया की जो सरकारें कह रही हैं, पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि अभी दूरी बना के रखना जरूरी है, क्योंकि अभी कोई प्रॉपर कोई मुकम्मल इलाज अभी पूरी दुनिया में नहीं है। जो वैक्सीन आने वाली है उसको भी समझ लो कि मुकम्मल इलाज नहीं है। वैक्सीन के बारे में जो साइंटिस्ट कह रहे हैं 5 से 7 साल लगते हैं असल में, जो सच में आती है वैक्सीन, किसी बीमारी की भी हो, पोलियो की बनी है, टीबी की बनी है, उनको 15-15 साल भी लगे। ये एक एमरजेंसी है कि पूरी कायनात ना खत्म हो जाए, तो एक एमरजेंसी है कि 1 साल में वैक्सीन आ रही है, मगर इसका 1 साल बाद लगने के बाद जिसको इंजेक्शन लगेगा उसके 1-2 साल बाद पता लगेगा कि इसके इफेक्ट क्या है। दवाई के भी हो रहे, जिन लोगों को कोरोना हुआ और जिनको दवाई दी गई उनकी किडनी और लीवर के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं, ये आना शुरू हो गया सामने, क्योंकि बहुत तेज दवाइयाँ दे दी गई हैं, डॉक्टर आइडिया से काम कर रहे थे और डॉक्टर कसूरवार भी नहीं है, उनकी कोशिश थी कि जान बचाए, जो समझ में आ रहा था।
तो हमने भी उन सब हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया कि योगिमा पर्व जैसा कि पिछले साल भी था और इस साल बहुत सारी बातें और भी जुड़ रही थी, चार किताबें मेरी प्रेस में हैं प्रिंट होने के लिए जो किसी भी वक्त आ सकती थी, मगर हमने रोकी हैं, रोकी अपने बजट के हिसाब से। बजट इसलिए कि हमने सोचा कि पहला बजट हम अपना पावन योग विशिष्ट के लिए रखें। पावन योग विशिष्ट किताब के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो एक किताब बिल्कुल छोटी सी होती है मोटाई में और हाथ जितना साइज हो सकता है किसी किताब का। अब योग विशिष्ट का जो साइज है वो दो हाथ से भी बड़ा है, एक मोटाई में वो कई 5 या 6 किताबों जितना होगा और आगे डबल भी होगा, तो इसको अगर जोड़ेंगे कम से कम भी तो 20 किताबों जितना एक पावन योग शिष्ट का साइज बन के आएगा। तो उसकी कॉस्ट भी मान ली जाए 20 गुना कॉस्ट होगी एक किताब के अगेंस्ट। अगर एक किताब 100 रुपये में आ रही है तो 20 गुना यानी वो 2000 में एक चीज छप रही है। मगर उसमें हमने एक मर्यादित फैसला लिया है कि पावन योग शिष्ट बेचा नहीं जाएगा, किसी को भी किसी भी कीमत पे बेचा नहीं जाएगा और ऐसे स्टालों पे दिया भी नहीं जाएगा। पावन योग शिष्ट हम सिर्फ अपने प्रचारकों को देंगे, प्रचारक भी वो जिनका परिवार फैमिली दीक्षित हो, जिनके घर में उसकी मर्यादा बनी रह सके। क्योंकि अभी हमने ये एक हम लोग सीखते हैं बहुत कुछ, अभी जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ जो हुआ पिछले दिनों 2-3 साल पहले, वो यही नहीं पता कि कहाँ गुरु ग्रंथ साहब था, कौन उसके जो उसके का जो पेज थे जिसको अंग कहा जाता है, कौन कहाँ से उसको फाड़ के लाया, क्यों बेअदबी हुई, आखिर किसी के कंट्रोल में भी होगा, ये बात भी है। और दूसरा उसको कीमत निश्चित करके जो उस ज्ञान की सर्वोच्चता है जो पावन योग शिष्ट के बारे में कहा जाता है, विद्वान कहते हैं कि इससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है, उसकी कीमत निश्चित करके हम उसकी जो मर्यादा भी है और उसकी जो एक वैल्यू जो होती है वैल्यूर उसका वो भी हम गिरा दें। जो आदर्श के अलावा प्रचारकों के अलावा जो लोग उसकी डिमांड करेंगे वो मंदिर कमेटियाँ हों, मोहल्ला कमेटियाँ हों, गाँव की कमेटियाँ हों, उनको कहेंगे कि पूरी कमेटी लेटर पैड पे लिख के लाओ और साथ में उसमें यह भी मेंशन करो कि इसको कौन पढ़ेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा वहां गांव में, और वो परिवार की गारंटी इसमें लिखो कि हम इसकी गारंटी लेते हैं कि ये नशे पानी से बिल्कुल दूर है और इसकी मर्यादा बनी रहे। तो ये एक बड़ा बजट है, बड़ी एक बड़ा काम भी है, केवल बजट नहीं है, पैसा ही नहीं है, एक बड़ी बड़ी मेहनत भी है। और आज की तारीख में हम केवल 150 पेज तक पहुंचे हैं, अगर हमारे हिसाब से पेज बन जाए और अगर उसमें वर्ड बढ़ जाए तो पेज कम है। जितना हमने सोचा है, जो आइडिया हमने लगाया है, तो 150 पेजेस अभी बने हैं, क्योंकि उसका मटेरियल में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। हमने वो सारे देखे हैं कि जो दूसरे लोगों ने छापे हैं, जो बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी से छपा है, हरिद्वार से छपे हैं, या हमारी सभाओं ने भी छापे हैं, हम उन सबको ही देख रहे हैं। और उन सबको देख के बड़ी अद्भुत बात मैं बता रहा हूँ छोटी सी, कि उसमें आराम सवाल पैदा कर रहा है बचपन के बारे में, जवानी के बारे में, उम्र के बारे में, बुढ़ापे के बारे में, और परिवर्तन क्यों होता है इसके बारे में, औरतों के बारे में सवाल पैदा कर रहा है, और मगर उसके प्रॉपर जवाब पावन योग शिष्ट में नहीं है। जो प्रॉपर जवाब उसको होने चाहिए वो नहीं है। तो फिर जो राम के सवाल कौन से हैं, राम के सवाल वो है जो हिंदू शास्त्र कहता है कि औरत की कोई वैल्यू नहीं है,
जो हिंदू शास्त्र कहता है कि ये सारा संसार एक स्वप्न है, फिर जब वो सवाल सवाल ही चलते रहेंगे तो दुनिया तो उसी को मान लेगी। जवाब क्या, परमेश्वर ने क्या जवाब दिया होगा? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने महाराजा बलि को या मुनि भारद्वाज को या और जो लोग आए, चाहे वो राजा जनक आए चाहे राजा अरिष्टनेमी आए, उन सबको परमात्मा ने क्या जवाब दिया होगा? वो जवाब जो है असल में ज्ञान तो वो है। सवाल तो हम सबके हो सकते हो, और ये नहीं होता कि सवाल समझदारी वाले होने चाहिए, सवाल तो नासमझी के भी होते हैं और कोई भी कर सकता है, मगर उसके जवाब समझदारी वाले होते हैं जो उसमें प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। प्रॉपर नहीं मिल रहे इसलिए टाइम लग रहा है उसमें, अभी टाइम 2 महीने भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है, मगर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। वैक्सीन की तरह है, वैक्सीन पर तो ये भी हो जाएगा कि आदमी दोबारा दवाई ले लेगा, हम इसको एक बार जारी करने के बाद ये दूसरी वैक्सीन नहीं बनेगी, इसलिए उस पर हम पूरा तसल्ली से काम कर रहे हैं, सारा देख पड़ रहे हैं भी उसमें जवाब प्रॉपर क्यों नहीं आ रहे हैं और जवाब क्या आने चाहिए। तो हमें अभी जो मदद मिल रही है वो वहां से मिल रही है कि जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कही हुए बातें हैं, जो अलग अलग जगह श्लोक उनके मिलते हैं, कोटेशन है जिनको कहते हैं, महावाक जैसे हम लिखते हैं पुरुषार्थ ही देव है, तो हमें वहां से मदद मिल रही भी जवाब क्या हो सकता है। जैसे जो कहा कि पूरा संसार स्वप्न है, अगर पूरा संसार स्वप्न है तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है, पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? अगर आदमी सपने में सो रहा है, सपने में सो रहा है तो उसमें भी हम कहें भी सोते हुए भी मेहनत करना, ये तो अजीब बात है, सपने पे कंट्रोल थोड़ी है भी सपना क्या आएगा। सपना हंसने का भी आ सकता है, लड़ने का भी आ सकता है, भागने का, कुएं में कूद जाने का, कुछ भी आ जाता है, हवा में उड़ने का भी आ जाता है। एक लाइन लिखी हुई आती है कि ये सारा संसार ऐसे है कि हम सो रहे हैं और जब जागेंगे तब दूसरे संसार में होंगे, यानी ये स्वप्न सिद्ध हो जाएगा। तो जब ये स्वप्न सिद्ध हो जाएगा तो फिर पुरुषार्थ का फल किसे मिलेगा? और या जो हिंदू शास्त्र भी कहता है भी कोई स्वर्ग नरक है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान नहीं कहते, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा पावन योग सिस्टम में जो मुझे मिला, वो कह रहे स्वर्ग का मतलब जो आपको इस उम्र में जो सुख मिलता है वो स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ भी ये होता स्वयं का वर्ग, मेरा अपना हिस्सा अगर ठीक है, आदमी स्वस्थ तो पूरी दुनिया स्वस्थ नजर आती, आदमी खुश तो पूरी दुनिया खुश नजर आती है, आदमी उदास हो तो अपने खेलते हुए बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। अगर आदमी परेशान है, तनाव में है, और इसकी मिसाल दी फिर परमेश्वर ने, वो जो अभी तक एक बनी हुई थी, बड़ा एक रहस्य बना हुआ था कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, परमात्मा ने उसका जवाब दिया राम को युद्ध भूमि में, वो कह रहे तुम तो मिलके आए हो ना कुंभकर्ण को, जैसे उसके उसके शरीर के बारे में झूठ लिखा हुआ था, कुंभकर्ण के बारे में लिखा हुआ शास्त्रों में कि कुंभकर्ण 600 धनुष जितना ऊंचा था, यानी एक धनुष मिनिमम होता 3.5 फुट 5 फुट भी हो सकता है, तो वो 600 फुट ऊंचा 100 फुट चौड़ा, तो परमेश्वर कहते ऐसा तुम्हें कुंभकर्ण मिला, और अगर ऐसा होता तो वो तो दीवार बन के खड़ा हो जाता, तो तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, और तुम्हारे तीर तो उसके लिए सुई के माफक भी नहीं होते, कांटे के माफक भी नहीं होते। करे जैसे वो झूठ है वैसे उसका 6 महीने सोना और 6 महीने जागना भी एक रहस्य है। और वो क्या है, वो करे जब आदमी कहता ना कि आज मैंने बहुत अच्छी नींद ली, कौन लेता है? जिस दिन आदमी निश्चिंत होके सोता है, जिस दिन उसको कोई चिंता ना हो, तो परमेश्वर ने कहा कि कुंभकर्ण मोक्ष को प्राप्त कर चुका था, तो जब वो सोता था तो एक रात में 6 महीने की नींद ले लेता था,
और जब पुरुषार्थ में लगता था तो एक ही दिन में 6 महीने का काम कर लेता था। ना कोई 6 महीने सोता है, ना कोई 6 महीने जागता है। महात्मा रावण के हंसने के बारे में भी कहा, भी कौन 24 घंटे हंसता रह सकता है? जो मोह से मुक्त हो गया हो, जो चिंता से मुक्त हो गया, वो 24 घंटे हंसता रह सकता है। कि ये लोग मोक्ष को प्राप्त थे, इसीलिए वो धोखे से नहीं लड़े, इसीलिए उनमें छल कपट नहीं था, इसीलिए उनमें ईमानदारी थी। तो ये पावन योग शिष्ट बहुत सारे सवालों को हल करेगा। योग शिष्ट अलग अलग जगह चलता है। जो भारद्वाज को ज्ञान है उसको जो हिंदू शास्त्र कहता है जिसको सतयुग, मगर महाराजा बलि जिसको साउथ इंडिया में, पूरा साउथ इंडिया जिसका त्यौहार मनाता है बलिपुरम में, और ओनम के नाम से, शायद ओनम के नाम से पूरा महाराष्ट्र, बॉम्बे तक भी, बॉम्बे से लेके पूरा साउथ नीचे तक, केरला तक, महाराजा बलि, और महाराजा बलि हरणाकश्यप के पोते पड़ोते थे, उसी परिवार के, दैत्याराज उनको कहा जाता है, दैत्याराज महाराजा बलि। तो वो सतयुग से पहले मोक्ष प्राप्त करते हैं, सतयुग से भी पहले। तो ये एक बड़ी बात है कि योग शिष्ट एक समय नहीं कहा गया, सतयुग से पहले कहा। जब महाराजा बलि ने याद किया तो परमात्मा वहां प्रकट हुए, भारद्वाज ने आराधना की, परमेश्वर वहां प्रकट हुए, और जब मां सीता ने कहा कि मेरे परिवार को माफ कर दो, तो उनके ऊपर जो अमृत वर्षा है वो असल में योग शिष्ट का ज्ञान है। अमृत वर्षा कहते हैं ना प्रवचनों वाली, वो वाली भी। और परमेश्वर ने वहां कहा कि राम तुम कहते थे कि बदलना नहीं चाहिए, ये जवानी बुढ़ापे में क्यों बदलती, ये संसार बदलता क्यों है, अब देखो ये युद्ध भूमि बदल गई, ये युद्ध भूमि थी 4 दिन पहले, आज ये युगामृत भूमि हो गई, यहीं पे मोक्ष का ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा, उसी भूमि पे। तो ये जो पावन योग शिष्ट है बहुत सारी विशेषताओं के साथ आना है। तो हम बहुत डर डर के, कई बार तो मैं पूरे दिन में एक पेज पे काम कर पाता हूं, एक पेज पे पूरे दिन में, क्योंकि कभी कभी मुझे पैरा मिलता है तो एक पैराग्राफ में आप हैरान हो जाओगे, एक पैराग्राफ की पहली लाइन कुछ और कहती, दूसरी कुछ और कहती, तीसरी और कहती, तो मुझे फिर उस पर बैठना पड़ता भी, इसमें सच कौन सी है, और सच कौन सी है उसको परमेश्वर के ज्ञान के साथ फिर वहीं से सहारा मिलता है। कि उनकी जो कोटेशने हैं, उनकी कोटेशने, जब वो कहते हैं कि देव मूर्ख लोगों की कल्पना है, जब वो कहते जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, तो हमें वहां से मदद मिलती है कि राम जब स्त्री की निंदा करता है तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया होगा। उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उस मामले में आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं भी इसे कैसे कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए हमने फैसला लिया भी 3 भाषाओं में हम इसे छापेंगे एक ही बार में, 3 भाषाओं में। और पावन योग शिष्ट ने हमें, हालांकि मैंने जब शुरुआत की तो मेरा मन भी कुछ और था, मैं अपने साथियों से कह रहा था कि हमें 20 साल पहले काम करना चाहिए था, हम पावन योग शिष्ट लेके फिर फील्ड में निकलते। मगर जब शुरुआत करके 2 महीने मुझे पूरे हो गए, जब मैंने एक पेज भी नहीं लिखा था, सिर्फ ढूंढ ही रहा था, तब मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि हमने उस वक्त नहीं किया, उस वक्त करते तो हम भी गलत छापते। अब हमें जो 30-35 साल जो हम घूमे, 30-35 साल हम विद्वानों से भी मिले हैं, संतों से भी मिले हैं, बच्चों से भी मिले हैं, यूनिवर्सिटी के लोगों से भी मिले हैं, सत्संग में बैठने वाले लोगों से भी मिले हैं, तो हमें वो जो अनुभव है, इतना जो ज्ञान अर्जित किया, अब वो हमें पावन योग शिष्ट को समझने में मदद दे रहा। 20 साल पहले करते हम गलत करते, हमारे अंदाजे गलत होते, तो उसी में हमें जब व्योम शब्द मिला तो अपने आप में एक ताकत मिल गई। व्योम शब्द जब मिला, जिसका अर्थ है आसमानी, ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ आसमानी, तो हमें एक ताकत मिली कि हमने जो किया,
हमने जो 93 में जो 92 में फैसला लिया आसमानी ध्वज का, वो गलत नहीं लिया, वो ठीक लिया। कुछ चीजें परमेश्वर ने करवाई हैं हमसे, हमने दूसरी तरह से सोची थी परमेश्वर के नाम से ही कि उसका बनाया हुआ रंग है, मगर दस्तावेज नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था, तो अब डॉक्यूमेंट्री भी हो गया वो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये पावन योग से तय करेगा, इसमें से बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी जो जिससे पूरे संसार को एक लाइन मिलेगी। और वो जो सपना था आप सब लोगों का कि हम कहते हैं जगत गुरु, तो जगत कब उनको गुरु मानेगा, हम ही कहते हैं ना अभी तक तो। मगर मुझे उम्मीद है कि जब ये पावन योग शिष्ट आएगा तो किसी से आपको जबरी नहीं करनी पड़ेगी, आपको जबरी नहीं करनी पड़ेगी, पूरा संसार हार्दिकता से कहेगा कि हम इनके साथ खड़े हैं, हमें जो ज्ञान पावन योग शिष्ट मिला वो कहीं से नहीं मिला। और भी समस्याएं हल हो रही हैं, इसमें छोटी छोटी बातें आ रही हैं, है ना, जैसे हमारे बस्तियों में भूत पूजा होती है, योग शिष्ट में उसका जवाब भी आ रहा है, मिल रहा है, उसका जवाब मिल रहा है। तो बहुत सारे जवाब आएंगे जो हमें आगे ले जाएंगे। और एक एक जगह अपना मन को स्थिर करना, एक जगह अपने मन को लाना, जो नित्रेम कहता है कि एक है एक ही नाम उचारू वाल्मीकि रसना, वो जो एक जगह अपना ईमान लाने की बात है, पावन योग शिष्ट आने के बाद उस पर अलग से जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सबका ईमान एक जगह आना शुरू हो जाए। तो हमें बहुत कुछ इससे मिलना है, इसीलिए मैंने पूरे देश से, आज तो लुधियाना की मीटिंग में हम बैठे हैं, पूरे देश से हमने प्रार्थना की थी कि पूरा देश योगिमा पर्व हम नहीं कर रहे, हमारे सारे जितने आदर्श के धर्मज्ञ है, आदर्श के जो बड़े विद्वान है, उन सब से मेरी बात हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो सबसे यही फैसला हुआ था कि योगिमा पर्व हम नहीं करेंगे, हम अपने उन परिवारों को जिनको हमने 35 साल 40 साल में जोड़ा है उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी। तो जब नहीं करेंगे तो मगर उससे ज़्यादा बड़ा काम पावन योग शिष्ट का हमारे सिर पे रहेगा। और जो जिस तरह से हम उसे छापना चाह रहे हैं कि उसका हर पेज कलर भी, यानी कि बहुत सारे कलर होंगे, एक साइड में परमात्मा की आसमानी फोटो, एक साइड में ये फोटो होगी, ये जो खड़े वाली परमात्मा की खड़े वाला रूप है, एक में ये होगा, एक यहां शायद नहीं लगी हुई जिसमें परमेश्वर लिखते हुए पावन योग शिष्ट को लिखते हुए बैठे हुए लिख रहे हैं, एक में ये खड़े जो परमात्मा का चित्र है ये रहेगा, और एक में जो परमेश्वर जिसमें लिख रहे हैं एक में वो रहेगा, दोनों पेजों पे आमने सामने, और कोई और कुछ नहीं होगा, चित्र दो ही रहेंगे। लास्ट पेजों पे जाके अगर जरूरत लगी, बजट भी देखना होगा हमें, लास्ट पेजों में जाके कि श्लोकों के साथ एक जगह श्लोकों की कोटेशन देंगे हम श्लोकों की, जैसे श्लोक अलग अलग दिए जाते हैं, एक एक अलग अलग श्लोक, तो 400-500 श्लोक अलग से निकले हैं, जैसे अभी नए नए भी निकले हैं बहुत सारे। एक जगह परमेश्वर ने ये कहा जब राम सवाल करता है बचपन पे कि बचपन बहुत बुरा होता है, बचपन गुलामी भरा होता है, और बचपन ऐसा भी होता है कि बच्चा कुत्ते की तरह पुचकारा जाता है उसको छोटी सी चीज दो, तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, असल में बचपन मासूम होता है और निष्पाप होता है, इतना निष्पाप होता है। एक मिसाल आई उसमें, परमेश्वर कहते हैं कि वो बच्चा अगर दहकता हुआ अंगारा हो या मां की छाती हो, उसमें उसको कोई भेद नहीं होता, दोनों को पकड़ने, क्योंकि अंगार पकड़ने में ना उसे भय होता है और ना मां की छाती पकड़ने में उसका कोई वासना होती है, वो दोनों जगह निष्पाप होता है।
तो ये जीवन का ये हिस्सा तो सबसे अहम होता है, निष्पाप हिस्सा होता। इसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, फिर वो चलाकी ये सीखता है, धोखे देने सीखता है, झूठ बोलना सीखता है, तो ये एक बड़ा हिस्सा है। तो ये योग सिद्ध जरी कैसा ऐसा योग सिद्ध होगा, जैसा मैं सेमिनार्स में देखता था कि बच्चों की अलग अलग समस्याएं होती थी कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है। तो अगर योग सिद्ध कोई बच्चा पढ़ देगा सुनेगा तो उसको किसी जो मशवरा देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं रहे। योग सिस्ट उसकी काउंसलिंग अपने आप कर देगा। और उसकी शब्दावली, हम जो परमेश्वर की शब्दावली वो भी रख रहे हैं, जो ऊंचा स्तर होना चाहिए, शब्द वो भी है, मगर उन्हीं शब्दों के साथ इतने आसान शब्द भी उसी के साथ साथ उसी के लिख के की भावार्थ अर्थात साथ ही लिख लिख के चल रहे हैं, ताकि हमारा बिल्कुल साधारण धर्मज्ञा पड़े चाहे, और गांव के या बस्ती की आम चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, तो जब वो आधे घंटे का भी पाठ सुन के उठें तो वो कहें कि हम कुछ लेके उठेंगे। ये नहीं, हमने वो नहीं करना, पंडिताई वाला काम नहीं करना कि लफज भारी कर देने हैं और किसी के दिमाग में कुछ भी ना पड़े, समझ में कुछ भी ना आए। हम तो चाह रहे भी 10 मिनट का भी योग श्रेष्ठ पाठ हो तो 10 मिनट में आदमी ज्ञान लेके उठे, उसे लगे कि हाँ मैंने दुनिया का सबसे अहम चीज आज सुनी। तो उस पर इसीलिए जोर है। हालांकि ऐसे फोन भी आए मुझे कि जी आप तो इतने साल से बोल रहे हैं योग श्रेष्ठ के श्लोकों पे, लिख दो जल्दी जल्दी। मैं कहा जल्दी जल्दी ये अपनी तरफ से थोड़ी लिखना है, ये परमेश्वर ने जो जवाब दिए हैं जो सारी दुनिया पे बराबर लागू होने चाहिए, हमें वो सोच के लिखने हैं। क्योंकि मैं केवल आप लोगों को जवाब दे नहीं हूं, मैं भी उस परमेश्वर को जवाब दे, उस परमेश्वर को जवाब दे हम भी। तो काम बहुत पड़ा है अभी इस कौम का। आज जो आप लोगों ने फैसला लिया कि लुधियाना से 2 लाख रुपए से ऊपर की मदद, लुधियाना शहर की तरफ से, लुधियाना शहर की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद पावन योग सिद्ध के लिए, शायद 2 लाख से ऊपर हो जाए, ऊपर हो जाए, मगर 2 लाख मिनिमम रहेगा। तो ये एक बहुत अहम फैसला है। और मैं ये इस वीडियो के द्वारा जहां तक भी ये जाएगा लोगों के बीच में, तो मैं ये चाहूंगा कि लोग सारे जैसे लुधियाना वालों ने फैसला लिया है, बाकी सारा देश और देश के बाहर जो आदर्श से जुड़े हुए लोग। हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं, हमने ये अपील केवल आदर्श परिवार को की है, बाकियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उनसे पैसा ना आज तक लिया है, ना हमने अभी मांगा है, और किसी सरकार से भी आदर्श ने आज तक 1 रुपया नहीं लिया, किसी सरकार से भी। हमारा रिकॉर्ड है ये ऐसा कि हमने 1 पैसा नहीं लिया। हमने जमीनें खरीदी हैं, हमने ऑफिस खरीदा है, वो सारा पैसा अपने मेंबरों से लिया है, जो मेंबर पूरी तरह समर्पित है, जो मेंबर खुद ईमानदार हैं और जिनको हमारी ईमानदारी पे यकीन है, हमने उनसे लिया। और आज भी जो हमारी अपील है ये आदर्श परिवार को है, आदर्श परिवार से जुड़ने के बाद जो भी इसमें मदद करना चाहे वो पूरे उसी तरह करे जैसे आदर्श परिवार, नहीं तो हमें बाहर से कोई नहीं कि जी हम मदद कर रहे हैं तो हमें 10 कॉपी बिल्टी कर देना, पार्सल कर देना। ऐसी कोई पार्सल नहीं होगा किसी को पावन योग सिद्ध ये कोई सोच के करे कि हमने पैसे दे दिए अब हमें ऐसे भेज देना। पावन योग सिद्ध मर्यादा से जाएगा, जैसी मर्यादा होनी चाहिए, आज स्थापित करेंगे तब वो सदियों में जाके बनेगी, आने वाली पीढ़ियां उसको बना के रखेंगे। हम तोड़ देंगे तो फिर उसे कोई नहीं बनाएगा। तो आज बहुत अच्छा रहा कि एकदम हम लोगों ने वाल्मीकि विजय दिवस के 2 दिन बाद ही हम लोगों ने ये तय कर लिया। और आप लोगों का दूसरा प्रोग्राम भी मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसी महीने
मोक्ष महीने की ही 13 तारीख को बड़ा एक योगामृत परिवारों सहित, जिसमें सारे परिवार योगामृत में परिवार होते ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पहला पैसा जो है लुधियाना शहर द्वारा वो उसी योगामृत में दे दिया जाएगा। मगर मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, जो लोग पूरे जिले तक जाते हैं या जो लोग पंजाब में और कहीं जाते हैं आप में से, वो बाकी लोगों से भी कहें कि इसी 13 मोक्ष में जब आप दे रहे हैं तो बाकी लोग भी इसमें पैसा देने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जब लिख रहा हूँ, मुझे एक चिंताएं हैं कि मैटर कहाँ से इकट्ठा करना, तो मेरी एक चिंता तो खत्म हो जाए कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करना, वो चिंता आप लोग ले लो ताकि हम आसानी से इसे कर लें। और ईश्वर की कृपा, जब से मैंने काम शुरू किया है पावन योग सिस्ट पे, उसमें आता है, बार बार आता है कि पुरुषार्थ ऐसा कोई नहीं है, और जो 3 लोगों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका पुरुषार्थ आप करो और पदार्थ आपको प्राप्त हो। तो आप अगर इन महीनों में अगर देखेंगे, ये जो पिछले 6-7 महीने गए हैं, 6-7 महीनों में अगर आरएस का रिकॉर्ड देखेंगे कि हम लोग कहीं प्रचार करने गए नहीं हैं, मगर जितना बढ़ रहा है, जितने लोग जुड़ रहे हैं इन 7-8 महीनों में, वो उस पावन योग शिष्ट के ऊपर शायद उसकी सेवा भी है और आप लोगों की मेहनत भी है कि बिना, जबकि पूरी दुनिया जाम है, हम जाम बैठे हैं घरों में, जबकि एक हफ्ते में ही 7 दिन रहते थे, मगर हमारे 10 प्रोग्राम भी हो जाते थे, एक हफ्ते में 20 भी हो जाते थे, क्योंकि हर जगह मैं ही नहीं हाजिर रहता था, अलग अलग लेवल पे होते थे। अब भी हमारी शोभा यात्रा एक ही दिन में 2 जगह हो गई, रुड़की में भी हो गई और टांडा में भी होगी पंजाब में, तो ऐसे हो जाते थे। तो इन 7 महीनों में जब जाम रहे तो आदर्श परिवार और बड़ा फूला है, और बल्कि कई बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक भी, अच्छे अच्छे लोग, और कई जगह से तो अच्छा जन समूह जिसकी गिनती लाखों में कह सकते हैं, जिसने सीधे सीधे कहा कि हम आदर्श परिवार का हिस्सा हैं। तो ये एक आदर्श परिवार के लिए बड़ी बात है, जिसमें मैं 1-2 नाम ले भी सकता हूँ। पाकिस्तान से वहाँ के एक बड़े संत हैं शनि शाह जी महाराज, जिन्होंने बकायदा अपना ऑडियो डाल के खुद अपनी आवाज में उन्होंने पूरी दुनिया को अपील की है कि आसमानी ध्वज और आदर्श के साथ खड़े हो जाओ, आसमानी ध्वज के नीचे और आदर्श के साथ खड़े हो जाओ। तो ऐसे सारी दुनिया में एक बड़ा प्रभाव बना है, और ऐसे ही जसप्रीत महा मैदानों वो लगातार जिसकी कोशिश थी प्रचार की, तो हम ऐसी कई उपलब्धियां हुई हैं इस समय में, जो बड़ा जन समूह हम आदर्श के साथ जुड़ा। तो मैं बैठे बैठे यही सोचता रहता हूँ कमरे में कि ये योग शिष्ट को का अध्ययन करने का ईश्वर पुरुषार्थ दे रहा है, खाली अध्ययन, छोटा सा अध्ययन, और अभी पुरुषार्थ से अगला कदम होता है परमार्थ, परमेश्वर कहते हैं उसमें, कि जो पिछले जन्म का फल मिलता पुरुषार्थ का नहीं मिलता, वो परमार्थ का मिलता है। अभी ये भी गलती थी, लोग सोचते थे कि पुरुषार्थ ज्यादा हो जाए तो अगले जन्म में उसका फल मिलता है। पुरुषार्थ होता निजी, परमार्थ होता है जब आप अपने, उसमें बड़ी डेफिनेशन है परमार्थ की, कि आप अपने और अपने सगे संबंधियों से आगे बढ़कर अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को छोड़कर आगे बढ़कर जब दूसरे के हित में काम करते हैं तो उसको परमार्थ कहा। एक बड़ी डेफिनेशन है, तो उसके अनुसार काम शायद मुझे लग रहा कि परमेश्वर की कृपा होनी शुरू हुई है, और जब ये छपकर आएगा, और रोज सुबह उठ के पहली दुआ यही करता हूँ जब मैं वाल्मीकि अनंत के द्वार खोलता हूँ, कि परमेश्वर मुझसे कोई गलती ना हो, क्योंकि उसकी कलम ने लिखा है, उसके मुखारविंद से निकला है, कोई मैं ऐसा लफ्ज़ ना लिखूं जो उस पूरी मर्यादा या उस भावना के उल्ट चला जाए। बार बार अपने आप को रोक रोक के कर रहे हैं भी, इसमें कैसे क्या करना। तो
तो जब इसको फाइनल प्रिंटिंग में ले जाएंगे उस वक्त हम चार पांच विद्वानों को इकट्ठा करेंगे। फाइनल प्रिंटिंग जब होगी, पहले हिंदी की एक होगी, पहले फाइनल प्रिंटिंग एक होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन तब होगी जब फाइनल हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी का जब होगा तो चार पांच विद्वानों को इकट्ठा करेंगे, और अगर अमृतसर में छपेगा तो अमृतसर में रहने का इंतजाम करेंगे सबका, कि जब वो हम गलतियाँ नहीं निकालेंगे, उसकी सेंस को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कोई चीज़ छूट ना जाए या कोई चीज़ गलत उसमें शामिल ना हो जाए। तो और विद्वानों की भी उसमें मदद लेंगे साथ में। मगर जैसा महामुनि शुक्राचार्य कहते हैं पावन योग शिष्ट में, महाराजा बलि से उन्होंने एक शब्द कहा, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जिज्ञासा बड़ी है, ये अलग बात है। जिज्ञासा यानी इच्छा, तुम्हारी इच्छा बड़ी है ये अलग बात है, मगर जितनी जिज्ञासा हो उतनी ही तुम्हें श्रद्धालु होना भी जरूरी है, तुम्हारी आस्था भी उतनी मजबूत होनी जरूरी है। ये ज्ञान केवल जिज्ञासा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ज्ञान आस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वही विद्वान जिनके जिनकी जिज्ञासा भी हो, जिनके पास ज्ञान भी हो और जिनकी आस्था भी हो, उन विद्वानों को बीच में बिठा के हम उनको फाइनल उन्हीं के हाथ से करवाएंगे, और फिर जब फाइनल हो जाएगा हिंदी का तो उसका फिर पंजाबी और उर्दू में ट्रांसलेशन बात होगी हमारी। पंजाबी का तो पंजाब में हो जाएगा आसानी से, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बात हो गई है जहाँ उर्दू की ट्रांसलेशन होगी, मगर हम साथ बैठेंगे, साथ बैठेंगे, क्योंकि उर्दू के शब्दों को फिर हम नहीं समझ पाएंगे, तो हम कान से समझ पाएंगे कि इसने क्या लिखा है, एक एक लफ्ज को पूछ के कि हमने कहा जहाँ पे दैत्य लिखा वहाँ दैत्य या आधा ही तह बोल रहा कि पूरा तो नहीं बोल गया, आधे उस आधे तह का भी ध्यान रखना है ना, मात्रा अगर डबल पड़ी है तो उसकी आवाज क्या आ रही है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो उतनी बारीकी से हम काम करेंगे। आज बहुत अच्छा रहा कि लुधियाना ने एक बड़ा फैसला लिया, और आपके फैसले को देख के बाकी सारे देश और विदेश में जो आदर्श परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी पावन योग शिष्ट में अपना योगदान, जैसे मैंने पहले प्रार्थना की थी कि अब आपके आने जाने के खर्चे नहीं हैं, पूरे परिवार के आने के खर्चे नहीं हैं, अब योग व परम नहीं है तो आपने केवल योग शिष्ट के लिए मदद करनी है, तो योगिमा परम में जो मदद करते थे कोशिश ये करो कि उससे चार गुना मदद आपके घरों से आए, चार गुना मदद आपके घरों से आए। अगर आप 5,000 रुपया दे रहे थे मगर 5,000 के साथ आपके चार लोग यात्रा भी करते थे और भी खर्चे करते थे, तो उनको जोड़ के आप कोशिश करो कि मदद दे, ताकि 50 लाख रुपए का बजट है हम उसको अपने इस परिवार से पूरा कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वल्लभ।